लेकिन हम चर्चा कर रहे थे आइडिया की. अब फंडामेंटली मयूरेश, क्या आपकी सलाह होगी इन नंबर्स के बाद कितना टूट सकता है शेयर? 150 पर के आसपास दिन की समाप्ति पिछले सत्र में देखने को मिली है, कितनी गुंजाइश है इस काउंटर की और बिखरने की? मॉर्निंग हर्षिता जी, आई थिंक क्लियरली बहुत डिसअपॉइंटिंग सेट ऑफ नंबर्स थे कोई भी पैरामीटर्स पे आप देखें तो. और जनरली आई थिंक टेलीकॉम सेक्टर का आप देखेंगे तो आई थिंक जो वॉइस आरपीएम से वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टू रिमेन मोर और लेस फ्लैटिश. जो ट्रैफिक ग्रोथ होगी स्पेसिफिकली ऑन द मोबाइल यूसेज पार्ट ऑन द वॉइस फ्रंट, आई थिंक उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस देखने मिलेगी. और डेटा पे भी आई थिंक द इंक्रीमेंटल रेवन्यूज दैट कैन बी एडेड विल बी अ लिटिल बिट सॉफ्ट एज वेल. तो मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. आइडिया कैन प्रॉब्ली करेक्ट टू दोस लेवल्स ऑफ 140 जो आई थिंक 6 से 8 महीने पहले आई थिंक वहां से उसने एक रैली स्टार्ट की थी क्लोज टू दैट 190 ऑड लेवल्स. बट आई थिंक वीकनेस इन दीज स्टॉक्स वुड कंटिन्यू. आई थिंक जैसे इन्होंने स्पेक्ट्रम पे आउट किए हैं, जैसे इनके केपेक्स प्लान है आइडिया टू द ट्यून ऑफ अराउंड 5,500-6,500 ऑड क्रोर्स फॉर FY16 FY17. तो मुझे लगता है आई थिंक ROEs ROCs पे काफी इंपैक्ट आ सकता है. एंड अगेन आई थिंक रिलायंस जियो की जो लॉन्च होगी आई थिंक इवन दैट लॉन्च विल हैव सम अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ डेटा रेवेन्यूज एज वेल एज मोबाइल रेवेन्यूज विल पैन आउट. तो मुझे लगता है आई थिंक करेक्शन आएगा एंड इन्वेस्टर्स शुड प्रॉब्ली जस्ट वेट आउट. आई थिंक रशियन करके बाय ना करें स्टॉक को. आई थिंक देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. ओके, तो फिलहाल खरीदने का तो सोचे भी नहीं, न फंडामेंटल राय है और न ही टेक्निकल. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस हम शिफ्ट करेंगे मिड कैप शेयरों पर. कुछ बेहतरीन मिड कैप स्टॉक सेक्शन में रहने वाले JSW स्टील, डेल्टा, शानदार नतीजे, देखना होगा कितनी और तेजी होगी, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इस स्टॉक पर भी रखेंगे नजर इस छोटे से ब्रेक के बाद. हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है राकेश बंसल और मयूरेश जोशी, और अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए जेके जैन भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं. जैन साहब स्वागत है आपका CNBC आवाज पर. पहला सवाल तो आपसे ये लेना चाहता हूं कि 8,300 के पार अगर आज खुल गए और घंटे भर टिक गए तो क्या फिर जो कोई लोग बाजार में शॉर्ट है उन्हें अपनी शॉर्ट पोजिशन काट लेनी चाहिए क्या निफ्टी में? और अगर नई तेजी की पोजिशन बनानी है तो क्या तुरंत खुलते ही बना लें उन लेवल्स पर? तो यहाँ पर 8,300 का इंतजार ना करें, जो भी लेवल पर बाजार खुले आप खरीदारी की पोजीशन ले लीजिए. लेकिन कितनी ऊपर की जाने की गुंजाइश है निफ्टी में? जेके आपकी क्या सलाह होगी, किन लेवल्स पर आप ज्यादा जोर देंगे? तेजी की संभावना, लेकिन क्या तेजी की लीडरशिप जैन साहब बैंक निफ्टी से आ सकती है क्या? क्योंकि बैंक निफ्टी ने फिर परसों के सेशन में थोड़ा करेक्शन दिया, हालांकि क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं थी 17,700 पर. क्या करना चाहिए वहां पर? राय आती हुई यहाँ पर इन सारे शेयर पर. अब कुछ मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस किया जाए. डेल्टा कॉर्प काफी लंबे समय बाद बड़े तगड़े रिजल्ट आए. मयूरेश आप ट्रैक करते हैं इस शेयर को, देखिए सेल्स में अच्छी खासी बढ़त है, 85 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया है यहाँ पर, और जिस तरह से 95 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया है, मार्जिन्स बढ़कर आए हैं, प्रॉफिट लॉस से 3.5 करोड़ के लॉस से 6.5 करोड़ का प्रॉफिट आया है.
हालांकि पिछले दो सेशन में स्टॉक मेरे ख्याल से 8-10% चल चुका है, क्या अब भी खरीदारी का मौका है? इन नतीजों के दम पर स्टॉक पर व्यू बदलना चाहिए या अभी एक दो क्वार्टर और इंतजार किया जाए? तो क्लियरली आई थिंक अनिल जी आई स्टिल विल वेट आउट, क्योंकि मुझे देखना है कंसिस्टेंसी इन नंबर्स। तो आई थिंक ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉब्ली द स्टॉक का राकेश जी ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, बट फंडामेंटली आई थिंक आई विल स्टिल वेट आउट फॉर अ कपल ऑफ क्वार्टर्स। हालांकि आई थिंक बेस्ड ऑन द नंबर्स एक पॉजिटिव रिएक्शन में रूल आउट नहीं करता। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या बनेगा डेल्टा कॉपर राकेश, उस लिहाज से आप, क्योंकि आप देखिए ये पूरा वो फेस्टिव सीजन की शुरुआत से डेल्टा कॉप के स्टॉक में हम एक्शन भी देखते हैं, बिगनिंग नाउ दिसंबर अंत तक वो पूरा हरकत देखने को मिलेगी, उस लिहाज से उम्मीद है कि जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं वो शायद थोड़े से बेटर रह सकते हैं, क्या ट्रेड लेंगे आप? हर्षिता मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में बाइंग ही करनी चाहिए डेल्टा कॉप के अंदर, जिस तरीके से एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न है कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टॉक एक बड़ी तेजी टूवर्ड्स जो इसके अभी रिसेंट हाईस थे 124-125 के उनको क्रैक करने का अटेम्प्ट करे, जिस तरीके से एक टेक्निकल पैटर्न अगर हम देखें टेक्निकली स्टॉक एक अच्छी एक्यूमुलेशन में था, उसके बाद 84 के नीचे एक क्रैक देखने को मिला जब निफ्टी में क्रैक आया और जिस फैशन में डेल्टा कॉर्प में एक रिवर्सल बना है, मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। शॉर्ट बीच बीच में शायद करेक्शन देखने को मिले बट नीचे में 78 से लेकर 80 स्टॉक का एक अच्छा बेस बन रहा है और इमीडिएटली देखें तो शॉर्ट टर्म में 100 रुपीज के लेवल और उसके बाद 124-125 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि स्टॉक को बाय करके होल्ड करना चाहिए, नए हाई बनाने की वेट करने के लिए, क्योंकि नीचे में जो बेस बना है वो काफी स्ट्रांग है और लगता नहीं है कि चार्ट देख के कि वो बेस जल्दी में नीचे में टूटेगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैन साहब, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा था शुक्रवार को, माफ कीजिएगा शुक्रवार तो आज है, परसों बुधवार को जबरदस्त एक्शन हुआ स्टॉक में, 4.5% स्टॉक नीचे बंद हुआ, 61% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा, 12,62,000 शेयर नए जुड़े, जबरदस्त मंदी की पोजीशन बनाई थी ट्रेडर्स ने और एक खबर के दम पर के खबर ये आई थी कि आरबीआई ने अब नई खरीदारी पर रोक लगा दी, एफआईएस की लिमिट पूरी हो चुकी है और इस खबर के दम पर स्टॉक फिसल गया इतना तेजी से नीचे में, तो मेरे ख्याल से 903 का लो बनाया फ्यूचर्स में और 932 पर जाकर फिर रिकवर होकर बंद हुआ। अब आज खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल विपरीत जो परसों आई थी, वो ये कि आरबीआई ने 74% तक एफआईएस की खरीदारी की सीमा बढ़ा दी है और अब फ्रेश खरीदारी हो सकती है। ये बताया कि ये जो 12,62,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ है, 60% बढ़ा है, क्या आज जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करनी चाहिए? यदि हाँ तो ये स्टॉक कितना भाग सकता है? आई थिंक शॉर्ट कवरिंग ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से न्यूज एक दिन के हिसाब से रिवर्ट हो चुका है, जो पोजीशन है काफी हैवी पोजीशन बिल्डअप हुई है, इसमें ओपन इंटरेस्ट इतना नहीं होता है जनरली, बट लेकिन जिस तरह से बिल्डअप हुई है काफी हैवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, तो आई थिंक ये स्टॉक थोड़ा गैप अप ओपन होना चाहिए, 960-970 के ऊपर ओपन होना चाहिए, आई थिंक उसके बावजूद आई थिंक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकता है। ऊपर इस तरह से आई थिंक स्टॉक ने अपना जो सीरीज हाई है 1020 का जो सीरीज हाई है वो लेवल पे क्रॉस करने के चांसेस है, तो मैं ये सलाह दूंगा जो भी गैप अप होता है वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कर लेना चाहिए और किसी को फ्रेश पोजीशन बिल्डअप करना चाहिए। आई थिंक इट इज द राइट स्टॉक टू गो फॉर लॉन्ग पोजीशन। ऊपर के सर आई थिंक 1020 का एक इमीडिएट टारगेट होगा, अगर वो क्रॉस करता है तो 1070-1080 भी देखने को मिल सकता है स्टॉक में। जनरली थोड़ा लो वॉलेटाइल हमें हाई बीटा स्टॉक है और लो लिक्विड स्टॉक है, तो आई थिंक जिस हिसाब से वॉल्यूम भी हुआ है फ्राइडे के ट्रेड में तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंपल्सिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा इसमें, तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव खबर आई है तो जो भी शॉर्ट्स बने थे वो कवर होते हुए दिखाई देंगे और 1070-1080 के लिए भी आप तैयार रहिएगा आज के सत्र में। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और शेयरों पर ऐसी ही सटीक आपके लिए रणनीति बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन होगा उन पर राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट, हमारे साथ है राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और जेके जैन। जेएसडब्ल्यू स्टील ये एक और स्टॉक है जहां पर काफी एक्शन आज हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो नतीजा आया है, बाजार बंद होते होते आया था बुधवार को लगभग आखिरी सेकंड्स में, अंदाजा यह था कि नुकसान दर्ज करेगी कंपनी, लेकिन आया मुनाफा 117 करोड़ का और मार्जिन काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। जैन साहब ये बताएं कि वायदा कारोबार में क्या कई तेजी करने के शॉर्ट कवरिंग के संकेत हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदना चाहेंगे और खासतौर से तब जबकि ग्लोबल मार्केट्स में जो भी रिकवरी होती है उसमें मेटल शेयर काफी तेजी से भागते हैं, क्या जेएसडब्ल्यू स्टील आज मेटल शेयरों में एक रिकवरी दिखा सकता है? बुधवार को भी अगर आप देखें तो सारे मेटल शेयर मजबूत थे कमजोर बाजार में भी, क्या करना चाहिए और कौन सा शेयर पसंद आपको जेएसडब्ल्यू स्टील के अलावा अगर और कोई खरीदना चाहें आप तो? अगर मेटल स्पेस में देखो आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील एक क्वाइट अंडर परफॉर्म कर रहा है इस सीरीज में अगर वन कंपेयर टू अदर मेटल स्टॉक्स, बट यूजुअली आई थिंक ये स्टॉक अगर
पिछले छह महीने से देखो तो आई थिंक आउट परफॉर्मर रहा है, बट ओवरऑल अगर लास्ट बार ये सीरीज में देखो तो काफी अंडर परफॉर्मर रहा है, बट रिजल्ट बेसिस पे देखेंगे तो आई थिंक ये अंडर परफॉर्मेंस कवर करेगा। मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए स्टॉक में, ऊपर के स्तर पर आई थिंक 950-960 लेवल देखने को मिल सकता है नियर टर्म, तो ये मोर ऑर लेस गैप अप खुलना चाहिए अराउंड 930 के आसपास खुलता है तो मैं यही सलाह दूंगा इसको बाय करना चाहिए फॉर 950-960 फॉर वेरी शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, इवन इंटर या एक या दो तीन के हिसाब से आई थिंक इसमें लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप करना चाहिए। ये राय आती है, लेकिन HCL इन्फो राकेश इसके चार्ट्स देखकर बताएं क्या ट्रेड बनेगा, क्योंकि कंपनी ने फिर से नुकसान दर्ज किया, 41 करोड़ का लॉस था पिछली तिमाही में और इस तिमाही में लॉस बढ़कर 49 करोड़ के आसपास आया है, सेल्स भी 12-13% घटी है और खासतौर से तब जबकि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री हुई इस काउंटर में, उसके बाद स्टॉक में बड़ा रनअप होता हुआ दिखा है। अब अगर आज इन नतीजों के दम पर कमजोर हो तो क्या आपकी राय खरीदारी की होगी, यदि हाँ तो किन लेवल्स के आसपास खरीदना चाहिए? अनिल जी अगर हम टेक्निकली देखें तो स्टॉक ने एक वी शेप रैली दिखाई है, 33-34 रुपए से एक रैली दिखाई है 64-65 रुपए तक की, और नतीजों से पहले तक का अगर आप टेक्निकली रुझान देखें तो रुझान क्लियरली पॉजिटिव है, स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है 60 रुपए के अराउंड, और 60 रुपए के अराउंड ही पिछली क्लोजिंग थी, नीचे में 57 रुपीज एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये खराब नतीजों के चलते स्टॉक 57 रुपए के नीचे निकलता है तब एक करेक्शन ट्रिगर हो सकती है, और अगर 57 रुपीज के नीचे स्टॉक क्लोजिंग लेता है तब ये करेक्शन काफी नीचे जा सकती है अनिल जी, क्योंकि अगर देखें तो जिस तरीके से मैंने बताया 33 रुपए से एक नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली है, टेक्निकली आप देखें तो 37-38 से पहले नीचे में कोई सपोर्ट नहीं है, अगर किसी को गिरावट में खरीदना है तो 40 रुपए के अराउंड ही खरीदना चाहिए, अगर पहले कहीं टेक्निकली कोई रिवर्सल बनता है तब अलग बात होगी, बट एज ऑफ नाउ स्टॉक में अगर 57 रुपीस के लेवल्स टूटते हैं तो एक डिक्लाइन टुवर्ड्स 40-42 देखने को मिल सकता है। स्ट्राइड सार्को लैब मयूरेश इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, अपनी हिंदुस्तान में बिजनेस बढ़ाने के लिहाज से ये जॉनसन एंड जॉनसन से 7 ब्रांड्स खरीद रहे हैं, इसके साथ ही कुछ और एक्विजिशन की इनकी तैयारी है, 32 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस वित्त वर्ष में इनका इस पूरे एक्विजिशन से आता हुआ दिखेगा, क्या लगता है इस स्टॉक पर राय क्या है, आप खरीदना चाहेंगे? तो क्लियरली अनिल जी आई थिंक जैसे एक्विजिशन कर रहे हैं आई थिंक वैल्यू एक्टिव तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इनकी जो नीश प्रोडक्ट ऑफरिंग्स होगी आई थिंक दैट विल एक्सपैंड विद द काइंड ऑफ एक्विजिशन दैट दे आर मेकिंग, तो मुझे लगता है आई थिंक करंट लेवल पे आई थिंक वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, इसलिए इन्वेस्टर्स जो होल्डिंग ऑन टू द स्टॉक होल्ड ऑन करें, बट आई थिंक फ्रेश बाइंग के लिए टू वेट फॉर डिक्लाइंस। चलिए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, और कई सारे स्टॉक्स हैं एक्शन में रहने वाले हैं, लेकिन खास तौर से एक्शन दिखेगा करेंसी मार्केट में, डॉलर कमजोर हुआ है यूरो के सामने 2%, क्या रुपए के सामने भी कमजोर होगा, बुधवार की कमजोरी से रुपया रिकवर करने में कामयाब होगा, किस तरह की शुरुआत रुपए की होगी, किस तरह की शुरुआत हमारे बाजारों की होगी, एसएक्स निफ्टी तो मजबूत है 8300 के ऊपर 1% की तेजी के साथ खुलने के लिए तैयार, ब्रेक और ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन और पहला सौदा, बने रहिए हमारे साथ। पहला सुना में आप सबका स्वागत है, भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन में संकेत बेहद मजबूती के लगभग 90 अंकों की मजबूती के साथ 1% ऊपर खुलेगा निफ्टी, और 10-11 पॉइंट की प्रीमियम निकाल भी है तो 8325 का जो पहला लक्ष्य हम बात कर रहे थे उसके आसपास खुलने की तैयारी, देखिए कितनी जबरदस्त खरीदारी पूरे दुनिया भर के बाजारों में दिख रही है, सारे एशियाई बाजार आपको लाल हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ, चीन के बाजार जरूर फ्लैट है लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, हांगकांग और यहाँ पर जापान के बाजार में अच्छी तेजी, सिंगापुर 1% मजबूत आपको नजर आएगा, रुपए की चाल पर भी नजर डालेंगे, उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहने वाला है आज के सेशन में उस पर बात की जाए, एशियन पेंट्स यहां पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बेहद मजबूत नतीजे हो सकते हैं, 28% के आसपास मुनाफा बढ़कर 445 करोड़ पर पहुंचेगा, जो मार्जिन से वो 17% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है, मयूरेश क्या खरीदारी का मौका है या इंतजार कर लिया जाए रिजल्ट्स का, खासतौर से तब जबकि कच्चे तेल के दाम जो कम रहे वो मार्जिन काफी बढ़ाने की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो क्लियरली आई थिंक साफ संकेत यही है कि जो फॉल देखा है आपने क्रूड और क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स में, स्पेसिफिकली टाइटेनियम डाइऑक्साइड में जो की रॉ मटेरियल होता है, उसके फॉल की वजह से बेटा मार्जिन एक्सपेंशन ऑफ अराउंड 17.2-17.5 आने की हमारी उम्मीद है, मुझे लगता है आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ भी काफी सब्सटेंशियल हो सकती है, एंड अगेन आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ इज समथिंग टू बी वॉच्ड आउट फॉर, तो अगर मैनेजमेंट गाइडेंस देती है कि इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स जैसे एक्टिविटी पिकअप होगी स्पेसिफिकली ऑन द हाउसिंग फ्रंट विच इज वन ऑफ द की ड्राइवर्स, मुझे लगता है आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ कैन
कैन अगेन कम बैक टू दोज हायर डबल डिजिट्स. तो अगर ये सिचुएशन पैन आउट होती है, नए प्लांट्स के यूटिलाइजेशन लेवल्स इंप्रूव होते हैं, तो मुझे लगता है आई थिंक द वैल्यूएशन प्रीमियम दैट द स्टॉक प्रॉब्ली डिराइव्स विद इन द पेंट इंडस्ट्री आई थिंक ये सस्टेन कर सकता है. तो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक अगर किसी को एक्सपोजर लेना हो, वैल्यूएशन करंटली रिच लग रहे हैं, लेकिन अगर 2 से 3 साल का नजरिया हो तो द स्टॉक कैन गिव यू ब्रिलियंट रिटर्न्स. ओके, तो ये 2 से 3 साल के व्यू के लिए खरीदारी का मौका दे सकता है. लेकिन इस बीच बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में, देख लीजिए किस तरह का रुझान है. 113 अंक ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी 6 अंक नीचे. अब निफ्टी एकदम फ्लैट ट्रेड करता दिख रहा है. फ्लैट ट्रेड करने की वजह यह कि भारतीय एयरटेल दिखेगा आपको पहली टिक पर 10% नीचे, कैन इंडिया दिखेगा 6% नीचे, रिलायंस में 6% के आसपास की कमजोरी और आइडिया 3% नीचे नजर आएगा. लेकिन ये रियलिस्टिक लेवल नहीं है, शायद रियलिस्टिक लेवल आते हुए दिखेंगे आपको. इस बीच सेंसेक्स 117 अंक ऊपर दिख रहा है, सन फार्मा 2% ऊपर और हिंडालको में थोड़ी मजबूती. रुपए की शुरुआत देखिए, यहाँ पर बेहद मजबूती के साथ 0.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है रुपए. तो काफी शानदार शुरुआत होती दिख रही है. 64.80 का लेवल है और इस वक्त 34 पैसे की मजबूती रुपए में आपको देखने को मिलेगी. तो करेंसी मार्केट की दमदार शुरुआत होती हुई देखिए, आज ये संकेत साफ है इस वक्त. जैन साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर कहीं शॉर्ट बनाने के मौके हैं क्या? HPVIOC में रुपया मजबूत है, क्रूड स्टेबल है, क्या करेंगे आप, या फिर कहीं गिरावट में खरीदारी करना है आपको कोई एक स्टॉक? आई थिंक रुपी मजबूत होता है तो आई थिंक ऑयल मार्केटिंग के लिए थोड़ा फायदेमंद होता है. यूजुअली ये स्टॉक देखिए, आई थिंक डिप पे बाइंग आ रहा है, जो भी करेक्शन खाते हैं इनमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है. तो मेरे हिसाब से आई थिंक आई वुड गो फॉर लॉन्ग पोजीशन इंस्टेड ऑफ लुकिंग शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि क्रूड भी जिस तरह से बाउंस हो रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है. तो आई थिंक ये भी रैली पे क्रूड में भी चली जा रहा है. तो मतलब मैं आई थिंक रिजल्ट आने से रिजल्ट के पहले पहले इन स्टॉक में अभी भी आपको देखने को मिलेगा. तो आई वुड गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर शॉर्ट्स. तेजी की पोजीशंस लेनी चाहिए इन काउंटर्स में. एक और स्पेस जहां पर हम देखेंगे अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई देगी और नंबर्स भी काफी बढ़िया रह सकते हैं, वो है मल्टीप्लेक्स बिजनेसेस. आईनॉक्स के आज नतीजे आएंगे और हमारा अनुमान यही है कि एक अच्छी तिमाही उभर कर आएगी कंपनी के लिए, क्योंकि फुटफॉल्स इस बारी काफी ज्यादा बढ़े हैं और जो ग्रॉस यहाँ पर रेवेन्यू इन कंपनी ने कमाया है वो भी काफी बढ़िया है. मयूरेश, PVR आईनॉक्स जैसे प्लेयर्स में कितना आप तेजी का ट्रेड लेने के फेवर में रहेंगे इस समय? तो क्लियरली अर्चिता जी, आई थिंक नंबर्स काफी अच्छे रहने की उम्मीद है जनरली फॉर द मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री. और जैसे हम कंसोलिडेशन की एक फेज देख रहे हैं, आई थिंक स्टॉक्स लाइक PVR आईनॉक्स शुड गेन. हालांकि आई थिंक जो F&B कंपोनेंट होता है, आई थिंक दैट इज स्टिल लो. आई थिंक इफ दैट कंपोनेंट स्टार्ट्स गेटिंग इंक्रीज अलॉन्ग विद एवरेज सेलिंग प्राइसेज जो आई थिंक कंटेंट के ऊपर होती है, और जैसे रिलीजेज हैं, आई थिंक देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्ट्रिंग्स ऑफ रिलीजेज दैट आर एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू विच कैन बी पोटेंशियल मल्टीपैगर्स फॉर अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स. तो आई थिंक मेरा पॉजिटिव PVR PVR पे बरकरार रहेगा. हालांकि आईनॉक्स पे आई थिंक इट माइट स्टिल अंडर परफॉर्म. हालांकि आई थिंक आई स्टिल हैव टू लुक फॉर नंबर्स इन ग्रेटर डिटेल, बट विद इन द टू आई थिंक PVR पे मेरा पॉजिटिव अभी भी बरकरार है. PVR पे एक पॉजिटिव रणनीति अपनाई जा सकती है. आईनॉक्स के अगर नतीजे आने वाले हैं उसके पहले कुछ हरकत तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है. लेकिन कहां पर आज ट्रेड का मौका दिख रहा है? सोनम हमारे साथ है. सोनम बताइए, कहां पर आज ट्रेडिंग पोजीशंस ली जा सकती है, कितना फायदा कमाया जाएगा? आज सारे के सारे खरीदारी के ही कॉल्स है. फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कृणाल डायमा ने खरीदारी की सलाह दी है रिलायंस कैपिटल पे. उनका मन है ये शेयर एक अपसाइड ट्रेंड में है, तो जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है. ये तेजी बनी रहेगी अगले 2 से 3 दिन के लिए, तो उसमें खरीदारी करके चलिए. लक्ष्य 426 का दिया जा रहा है. दूसरा कॉल है प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव का, जिन्होंने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड में खरीदारी की सलाह दी है. उनका मानना ये नया शेयर है जो बाउंस बैक दिखाई दे रहा है शेयर में टेक्निकली, और इसलिए इसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए. लक्ष्य 65.70 का दिया जा रहा है 1 से 2 दिन के लिए. और फाइनल कॉल है manasjaiswal.com के मानस जायसवाल का, जिन्होंने 2-व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह दी है. उनका मानना है नतीजों के बाद शेयर में ऑलरेडी 3 से 4% की तेजी दिखाई दी थी, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा जब तक ये शेयर अपने अहम रेजिस्टेंस लेवल 2600 पर पहुंच जाता है. इसलिए 1 से 2 दिन के लिए 2600 के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करके चलिए. ओके, तो सभी कॉल्स यहाँ पर तेजी की पोजीशन आप ले सकते हैं आज के सत्र में. शुक्रिया सोनम उस जानकारी के लिए. कुछ और काउंटर्स आज रेडार पर रहेंगे, उसमें भारतीय इंफ्राटेल भी आप की नजर में होना चाहिए. नतीजे आएंगे और एक थोड़ा सा सपोर्ट क्वार्टर रह सकता है. मुनाफे में ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं है, महज 1% की बाहर देखने को मिल सकती है. बिट्टा भी आप देखिए, यहाँ पर भी कुछ किसी तरह के आउट परफॉर्मेंस का अनुमान नहीं है. लेकिन ये जो व्योम और ATC की डील हुई है उसके बाद क्या वैल्यूएशन के लिहाज से भारतीय इंफ्राटेल में भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, या फिर जो कुछ होना था वो हो चुका है बुधवार के सत्र में?
मयूरेश। सो क्लियरली अर्चना जी, अगर हम एटीसी और बियॉन्ड की डील देखें तो एंटरप्राइज वैल्यू कम्स क्लोज टू अराउंड 21,000 करोड़, ईवी बिटा पे कंपेयर करें तो दैट्स कमिंग अराउंड 11.5-12 टाइम्स। भारती इंफ्राटेल इज ऑलवेज स्टेटेड अर्चना जी एज द प्रीमियम, और आई थिंक जो प्रीमियम कंपोनेंट है इज बिकॉज ऑफ देयर हेल्दी बैलेंस शीट। आज जो कैश उनके बुक्स पे है, द काइंड ऑफ स्टेक दैट दे गॉट इन 42%, जो को लोकेशंस है, टोटल टावर्स आर क्लोज टू 84,000 टावर्स। और जैसे हम फुटप्रिंट देख रहे हैं, क्योंकि 2G से 3G पे जब एक ट्रांजिशन होता है और जो नेटवर्क की रोल आउट की इंटेंसिटी कम हुई थी बिकॉज ऑफ द स्पेक्ट्रम पेआउट्स फॉर अ लॉट ऑफ दीज टेलीकॉम ऑपरेटर्स ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स, आई थिंक वंस रिलायंस जियो स्टार्ट्स कमिंग इनटू द पिक्चर, मुझे लगता है आई थिंक द डेटा इंटेंसिटी रोल आउट स्पेशली ऑन द 3G फ्रंट विल इंक्रीज। और 3G की जब फुटप्रिंट बढ़ती है तो प्रॉफिटेबिलिटी और ईपीएस की जो अनुमान लगाते हैं हम स्पेसिफिकली फॉर टावर कंपनीज, दैट इंक्रीजेस सब्सटेंशियली। तो मुझे लगता है टेनेंसी रेशियो ऑफ 2.06 इज सब्सटेंशियली हायर, वहां पे इंक्रीमेंटली एक एडिशन दिख सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है द रियलाइजेशंस फ्रॉम द टावर बिजनेस विल इंक्रीज एट अ कंपाउंडेड पेस विच इज फास्टर देन इंडस्ट्री, एंड दो द वैल्यूएशंस आर एट अ प्रीमियम, मुझे लगता है आई थिंक इट स्टिल मींस वन ऑफ अ लुक्रेटिव पिक। तो मुझे लगता है आई थिंक भारती इंफ्राटेल इज समथिंग दैट आई पर्सनली लाइक। अगर ये डिक्लाइन होता है बिटवीन 390-380 आइडियल लेवल टू बाय, बट आई थिंक टिल दोज लेवल आल्सो इन्वेस्टर्स कैन बाय इन अ स्टैगर्ड मैनर। मैं काफी बुलिश हूं स्टॉक के विद अ 2-3 ईयर पर्सपेक्टिव। ओके, ये राय आती है, लेकिन ट्रेडिंग कॉल्स की हम बात कर रहे थे। राकेश, आपके दो ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं वो बताएं। अनिल जी, मेरा पहला कॉल रहेगा आदित्य बिरला नोवो पर। काफी बेहतरीन टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे लगता है एक्सपायरी तक एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। 21.30 का स्टॉप लॉस लगा के आदित्य बिरला नोवो को खरीदने की सलाह रहेगी 22.65 के टारगेट के लिए। और दूसरा बाय कॉल रहेगा ग्रासिम पर। ग्रासिम में भी देखें तो नीचे 35.90 के अराउंड एक अच्छा बेस बना है और मुझे लगता है एक्सपायरी तक इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 37.20 के लक्ष्य के लिए ग्रासिम को बाय किया जा सकता है 35.90 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये सब दो और काउंटर्स यहाँ पर तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। आदित्य बिरला नोवो और ग्रासिम में आप तेजी की पोजीशन लीजिए। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ने किन शेयरों पर अपनी सलाह दी है, क्या उनका रुझान है? नियति हमारे साथ जुड़ रही है, एक बार फिर नियति बताइए क्या है रडार पर? सारे नतीजे वाले स्टॉक्स हैं आज रडार पर। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच इनलाइन नंबर के बाद HDFC बैंक ने अपना बाय का कॉल यानी खरीदारी का कॉल मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस उन्होंने 1400 रुपए तक के दिए, हालांकि एडजस्ट कर रहे हैं अपने ईपीएस अनुमान, जिस तरह से मार्जिन थोड़े से लो आए हैं और बेस रेट कट को ये फैक्टर इन करके चल रहे हैं, तो 2% उन्होंने अपना ईपीएस अनुमान घटाया है। अदरवाइज स्ट्रांग लोन ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी और मार्केट शेयर गेन्स जो है वो भी जारी रहेंगे। 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए आप HDFC बैंक में निवेश करके चल सकते हैं। विप्रो पे Q2 नतीजे बिल्कुल ठीक ठाक थे, मगर Q3 का गाइडेंस जो है वो कमजोर है, जिसके कारण बार्कलेज अपना इक्वल वेट का कॉल जो है वो मेंटेन करा है, मगर टारगेट प्राइस 605 रुपए से घटा के 585 रुपए तक का कर दिया है। 10 रुपए के आसपास की और गिरावट आ सकती है, ऐसा इनका मानना है। केन इंडिया एक फॉरेक्स आइटम था और साथ साथ में टैक्स राइट बैक था, बड़ा टैक्स राइट बैक 180 करोड़ रुपए का, उसके चलते आपको नतीजे ठीक ठाक दिखेंगे। CLSA मेंटेन करा है अपनी बाय का कॉल, 225 तक के लक्ष्य उन्होंने दिए हैं। 44% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं यहां पर। और बार्कलेज भी, क्योंकि मैनेजमेंट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को मीट करने के लिए FY16 के लिए, इसलिए ओवरवेट का कॉल मेंटेन कर रहे हैं। 55% की एक अपसाइड पोटेंशियल ये देखते हैं। 235 तक के लक्ष्य केन इंडिया पे बार्कलेज ने भी यहां सुझाया है, मगर आइडिया बेहद खराब इन्होंने नंबर पेश किए हैं, अनुमान से काफी कम गोल्डमैन सैक्स के। इन्होंने कहा है कि जो टारगेट प्राइस है वो ये घटाएंगे और बिकवाली की सलाह इनकी बरकरार है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस आइडिया की जो मैं देख रही थी उसमें से सबसे खराब टारगेट गोल्डमैन सैक्स ने दिया है, 132 से इसका टारगेट प्राइस घटा के 125 तक का कर दिया है। 17% की गिरावट ये शेयर भी आपको यहां से दिखा सकता है। फाइनेंशियल्स पे भी ब्लैंकेट डाउनग्रेड आए हैं। बार्कलेज अंडरवेट की रेटिंग मेंटेन कर रहा है, लक्ष्य 217 से घटा के 210 रुपए तक का कर दिया है, 12% की गिरावट ये भी यहां पे देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स अपना FY16, 17 और 18 तीनों सालों के लिए ईपीएस अनुमान M&M फाइनेंशियल्स पर 11.5%, 3% और 2% के आसपास घटा रहे हैं। रिटरेट कर रहे हैं अपनी बिकवाली की सलाह, साथ साथ में टारगेट प्राइस मेंटेन किया है उन्होंने 228 रुपीज तक का। और JSW स्टील खराब नंबर इन्होंने भी पेश किए हैं। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म CLSA बिकवाली की सलाह दे रहा है, टारगेट प्राइस 675 तक का दिया है, 25% की गिरावट ये शेयर भी यहां से दिखा सकता है। तो ये सभी शेयर
जहां पर ब्रोकरेजेस ने अपनी राय साफ जाहिर की है। इनफैक्ट इन्हीं में से एक एमएनएम फाइनेंशियल पर मयूरेश मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ तिमाहियों में वो स्ट्रेस देखने को मिला है काउंटर पर, और आज जैसे बार्कलेज भी कह रहा है कि 210 इनका टारगेट हो गया है जो पहले 217 था, और जैसे नियति भी एम्फोसाइज कर रही थी, गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि वो ईपीएस एस्टिमेट्स अपने कम कर रहे हैं, तो क्या कंसर्न्स अब उभर कर आ रही है एमएनएम फाइनेंशियल के बिजनेस को लेकर, जो इतना यहां पर हमने देखा है एफआईआर ब्रोकरेजेस का रुझान भी नकारात्मक हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। So clearly, I think it is more to do with the asset quality or asset quality I think consistently improved ho hi nahi rahi hai. Pichle kitne satron se hum dekh rahe hain ki asset quality ki improvement ki umeed banaya rehta hai market, but M&M Financial always disappoints on that count. Dusri baat ye bhi dekhni chahiye ki the core businesses that they are lending to probably they are witnessing slowdown as well. Lekin other spectrum pe hum dekhenge to Bajaj Finance for example has posted a brilliant set of numbers. Unke AUM mein jo accretion aa raha hai 32-34% compounded growth aa raha hai, margins ने स्टेबलाइज और इनफैक्ट इंप्रूव की है, एंड अगेन आई थिंक दिस इज वन स्पेक्ट्रम दैट वी आर लुकिंग एट। I think there is significant growth happening. Other end, I think M&M Financial, जैसे आप stock देखते हैं, जहाँ पे I think asset quality के pressures I think are continuing quarter after quarter. इसलिए I think valuations को मद्देनजर रखते हुए, in terms of how the business models will pan out, in terms of core business segments itself, I think that itself outlook looks very very bleak for M&M Financial, at least for the better part of FY16. इसलिए I think इस space में I think selective होना बहुत जरूरी होगा। एक spectrum पे जैसे मैं बता रहा था, I think price to book valuations काफी महंगे हो गए हैं, और एक स्पेक्ट्रम पे आई थिंक यू आर लुकिंग एट इश्यूज लाइक एसेट क्वालिटी। तो मुझे लगता है आई थिंक यू हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ दिस। इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू अ स्टॉक लाइक बजाज फाइनेंस, प्लीज होल्ड ऑन, बट एमएनएम फाइनेंशियल्स पॉसिबली आई थिंक एसेट क्वालिटी प्रेशर्स विल स्टिल कंटिन्यू एंड परसिस्ट ऑन द बैलेंस शीट। कैडिला हेल्थ केयर एक और मयूरेश, इसी स्टॉक पर आपसे फंडामेंटल राय लेना चाहता हूं। 29% मुनाफा बढ़ा है, 17% आय में बढ़ोतरी हुई, शानदार नतीजे पेश किए हैं, और स्टॉक को देखिए 5% का बड़ा उछाल दिखा रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। ट्रैक करते हैं आप, यदि हाँ तो क्या राय है आपकी? बिल्कुल करते हैं अनिल जी, और जैसे नंबर्स हैं आई थिंक एक्सेप्शनल सेट ऑफ नंबर्स, आई थिंक उम्मीद से बेहतर ही आए हैं ऑन ऑल काउंट्स। आई थिंक इवन ऑन द मार्जिन्स फ्रंट हमें लगा नहीं था आई थिंक द कंपनी विल पोस्ट सच ब्रिलियंट सेट ऑफ नंबर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक विद द काइंड ऑफ एंडीए पाइपलाइन दैट कैडिला हैज गॉट, द ओनली इशू दैट द मार्केट प्रॉब्ली फेसेस इट विच इज मोरया फैसिलिटी, एफडीआई स्कैनर के अंडर थी, बट अगेन आई थिंक एनी अप्रूवल एंड एनी पॉजिटिव आउटकम देयर ऑफ आई थिंक द स्टॉक विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट व्हेन इट कम्स टू अर्निंग्स पर शेयर। तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस के तौर पर FY16 पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, नंबर्स आर ब्रिलियंट, द स्टॉक विल रिएक्ट पॉजिटिवली, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्डिंग ऑन टू द स्टॉक, प्लीज होल्ड ऑन टू द स्टॉक। क्वालिटेटिव स्टॉक है, क्वालिटेटिव मैनेजमेंट है, एंड आई थिंक दे विल डिलीवर ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। चलिए यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस आके आती हुई दिखाई दे सकती है। जेके दो काउंटर्स पर आपकी राय मैं लेना चाहूंगी, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स, दोनों में हमने देखा था पिछले सत्र में अच्छी तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी थी, क्या आज भी माहौल ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर आगे और बढ़त देखी जाएगी? राकेश, इस स्टॉक पर अपनी टेक्निकली राय दें, क्योंकि एक बड़ा सौदा होता हुआ दिखा है यहाँ पर, न्यू एनरॉन इन प्राइवेट इक्विटी फंड ने 16 लाख शेयर बेचे हैं परसों के सेशन में 315 रुपए पर, सामने एक एफआई ने खरीदारी भी की है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, किस तरह का एक्शन हो सकता है इस स्टॉक में? अनिल जी, चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है, स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। शॉर्ट टर्म का नजरिया देखें तो नीचे में 309-310 एक अच्छा सपोर्ट है, मौजूदा स्तरों पर ये हल्की सी करेक्शन पर 309 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को खरीदना चाहिए, और जिस तरीके से स्टॉक का स्ट्रक्चर है 354-355 तक की रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए 355 तक के लेवल्स आने की संभावना है। जेके मेटल कंपनियों में आप वेदांता में क्या अब भी तेजी की पोजीशन लेंगे? इस सीरीज में काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली दिया है, ऑलमोस्ट 80-85 लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 115-120 लेवल तक गया था। उस लेवल के बाद में एक फॉरवर्ड राइटिंग देखने को मिला है, और इवन पुट राइटिंग ऑन द साइड डाउन साइड है, तो उसका पुट ऑप्शन में राइटिंग देखने को मिला है। तो क्लियरली हमें लगता है कि डिप पे बाय करना चाहिए, बाय अपसाइड है। ऊपर के स्तर पे आई थिंक इंटरडे परस्पेक्टिव में 110-112 तक आ
आगे देख सकते हैं, बट आते टाइम में नहीं लगता है कि सिंगल पॉइंट हाई रहेगा और 120 लेवल क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टॉक को। ओके ये राय आती हुई इस वक्त, लेकिन फिलहाल बाजारों के खुलने की तैयारी बता दूं आपको, संकेत 8300 के आसपास खुलने के आते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर, 55 अंकों की मजबूती, हालांकि मजबूती उतनी नहीं जितनी आपको एसजेएक्स निफ्टी में दिख रही थी, लेकिन सेंसेक्स यहां पर 175 अंकों की दमदार शुरुआत करने के लिए तैयार है। मिड कैप इंडेक्स में 0.1% से ज्यादा की तेजी, और बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे वहां पर सबसे ज्यादा तेजी 0.1% पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है। सेंसेक्स और निफ्टी ने किए डबल सेंचुरी के साथ शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंकों पर इस वक्त और निफ्टी में भी शानदार खरीदारी 58 अंकों की होती दिख रही है। 8300 के पार खुलता हुआ निफ्टी बेहतरीन तेजी, 100 अंकों पर मिड कैप इंडेक्स से 0.1% की तेजी के साथ और बैंक निफ्टी 1% की मजबूती के साथ 170 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में शानदार खरीदारी होती दिख रही है, परसों के हाईस के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स 27,500 के पार इस वक्त और निफ्टी में 65 अंकों की मजबूती, तो तेज शुरुआत के बाद बाजार होल्ड करने में कामयाब ऊपर के लेवल्स को, ये पहला संकेत। स्टॉक्स जो एक्शन में, वेदांता 2% की मजबूती के साथ टॉप गेनर, कोटक बैंक, लेकिन इसके अलावा न सिर्फ वेदांता बल्कि हिंडालको मजबूत है, टाटा स्टील मजबूत है, तो मेटल्स आज भी लीड कर रहे हैं। लेकिन मेटल के अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस की हम सुबह बात कर रहे थे, रिलायंस और ONGC देखिए दोनों ही दिग्गज 1.5% मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। अब रिलायंस टॉप गेनर है आज निफ्टी में, तो रिलायंस से जबरदस्त लीडरशिप आती हुई दिख रही है, 2% के आसपास का उछाल रिलायंस में बनता हुआ दिख रहा है। बैंक्स मजबूत है, कोटक के अलावा PNB यस ये सारे बैंक्स मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। खरीदारी यहाँ पर टाटा मोटर्स और सन फार्मा में भी होती हुई दिख रही है, तो चौतरफा खरीदारी का माहौल इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। कमजोर सिर्फ 3 शेयर हैं, उनमें भी आइडिया और विप्रो, कमजोर नतीजे और गाइडेंस की वजह से आइडिया 3% नीचे है, विप्रो 1.5% नीचे है। बाजार अब और मजबूत होते दिख रहे हैं, 250 अंकों का उछाल सेंसेक्स में और निफ्टी 8325 के पहले लक्ष्य पर पहुंचता हुआ दिखा। आइए वायदा कारोबार की तरफ देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह का रुझान है इस वक्त, और वायदा कारोबार के स्टॉक्स में अगर आप नजर डालें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट 3% की मजबूती के साथ टॉप गेनर, केडिला हेल्थ 3% मजबूत अच्छे नतीजों के दम पर, और सिंडिकेट बैंक में 2% का उछाल। DLF के लिए भी कुछ खबरें आ रही कि ये कुछ स्टेक अपनी सब्सिडियरी में बेचना चाहते हैं, इस खबर के बाद 2% की तेजी बनती हुई यहां पर दिख रही है। भारतीय इंफ्राटेल आज नतीजे पेश करेगा, उससे पहले 2% कमजोर है, ये रुझान इस वक्त बाजार में दिखेगा आपको इन सारे शेयरों का। काफी जबरदस्त सेक्शन है हर्षदा, और कहां नजर आपकी मिड कैप काउंटर्स हमें आप देखेंगे, इंडेक्स जो है करीब 100 पॉइंट ऊपर है कारोबार के खुलते ही, लैंको इंफ्रा में करीब 3% का इजाफा आता हुआ, KPIT टेक्नोलॉजीज 14-15% भागा है काउंटर, क्योंकि यहाँ पर नतीजे काफी बढ़िया रहे हैं, मुनाफे में करीब 70% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा आप देखिए कैडिला हेल्थ के जिसकी हम बात कर रहे थे, बाजार खुलने से ठीक पहले ही स्टॉक 3% ऊपर खुला है। डेल्टा कॉप नतीजे अच्छे रहे इस तिमाही में, हमने देखा है परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, लॉस के सामने मुनाफा पेश किया है कंपनी ने इस तिमाही में, और 3% का इजाफा लगभग खुलते ही स्टॉक में कमाया है। सिंफनी के नतीजे आएंगे, उसके पहले हमने देखा है करीब 1.5% तक का इजाफा इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। JP एसोसिएट्स काउंटर्स में फिर से थोड़ा सा ट्रैक्शन, वॉल्यूम एक्शन स्टॉक में काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो वो इंटरेस्टिंग है और शायद एक मौका होगा उन लोगों के लिए जो फंसे हुए इस काउंटर से निकलने के लिए। कुछ और काउंटर्स आपके लिए हाजिर करते जहां पर आज खबरों का साफ तौर पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, उसमें जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे स्ट्राइड जाको लैब, इन्होंने कुछ ब्रांड्स अक्वायर किए हैं जॉनसन एंड जॉनसन से, 1.5% ऊपर खुला है ये काउंटर, ये एक सीमित दायरे में कारोबार दिखाता हुआ। VIP 2% ऊपर है, सिंडिकेट बैंक में करीब 2% तक की बढ़त आती हुई, यहाँ पर वॉल्यूम्स ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमने देखा है आज खुलते ही थोड़ी सी मजबूती आती हुई, 1% से ज्यादा लगभग 2% का इजाफा इस स्टॉक ने कमाया है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है सीधे तौर पर तेजी की पोजीशंस आती हुई आज साफ तौर से दिखाई दे रही है। बिकवाली का दबाव कहाँ है, भारतीय इंफ्राटेल जैसे हमने कहा उसमें दबाव देखने को मिला। M&M फाइनेंशियल्स नतीजे इस बार एक बार फिर खराब रहे हैं, कई ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट कट किए हैं और स्टॉक 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में कुछ मुनाफा वसूली, पेट्रोनेट LNG जैसे स्टॉक्स में कुछ मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी है। SRVI इंफ्रा जहां पर खबरों के चलते काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला था, 55.80 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, तो यहां पर हम देख रहे हैं हल्की सी बढ़त देखने को मिली, ज्यादा कुछ तेजी का मूड बचा नहीं है। जेट और स्पाइस जेट फिर से आज हरे निशान में लौटे हैं, चार्ट देखकर बताएं क्या करेक्शन पूरा कर चुके हैं राकेश, और खरीदारी का मौका है यदि हाँ तो दोनों से एक स्टॉक क्या पसंद होगा आपको? देखिए अनिल जी, स्पाइस जेट को देखें तो एक वी शेप रैली हमने काफी निचले स्तरों से स्टॉक के अंदर आते हुए देखी है, और ऊपर में अगर आप देखें
तो 48 से लेकर 50 रुपीज स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, और ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से अभी एक तेजी देखने को मिली है बिना कंसोलिडेशन के 50 रुपए के स्तर टूट जाएंगे ऊपर में। मेरा ऐसा मानना है अगर किसी ने निचले स्तरों पे स्पाइक जेट लिया है तो रैली को यूज करना चाहिए, अराउंड 48 रुपीज से लेकर 50 रुपीज के अराउंड मुनाफा वसूली करके साइड में बैठना चाहिए। अगर 50 रुपए के स्तर ऊपर में टूटते हैं तभी नया निवेश करना चाहिए, एल्स मुझे लगता है स्टॉक टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज कंसोलिडेट करेगा इन स्तरों के आसपास। दूसरी तरफ जेट एयरवेज की बात करें तो स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, नीचे में स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। अगर किसी को जेट एयरवेज में पोजीशन लेनी है तो नीचे में 382 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में नजर रखनी चाहिए 435 के स्तरों पर। अगर 435 के स्तर टूटते हैं तब स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब एक बड़ी तेजी शायद देखने को मिले। ओके, तो ये फिलहाल राय आती हुई जेट और स्पाइस जेट पर, लेकिन दो और स्टॉक्स जिसमें आज हम देख रहे हैं काफी ज्यादा रफ्तार बनती हुई दिखाई दी है, ओएमजीसी और गेल टॉप ट्रेड्स में शामिल है आज निफ्टी के, दोनों % ऊपर दोनों काउंटर्स। जेके कहां पर आप तेजी की पोजीशन लेना प्रेफर करेंगे, गेल या ओएमजीसी? बिल्कुल, तो काफी दमदार शुरुआत की और अच्छी बात है कि चौथरफा खरीदारी होती हुई दिख रही है। एक स्टॉक जो एक्शन में आज दिख रहा है मेरे रडार पर है वो है केपीआर, यहाँ पर 1,18,000 शेयरों का एक कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बीएससी पर ये स्टॉक आज बड़े एक्शन में, देखिए 1,25,000 शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम जिसमें 1,18,000 शेयरों का एक बड़ा सौदा होता दिख रहा है, 0.31% यानी कि 1/4% से ज्यादा की हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिख रही है और ये काफी अच्छी साइज कही जा सकती है। लो इक्विटी बेस वाली कंपनी है, इक्विटी छोटी है, इसलिए 1,18,000 शेयर के सौदा भी आपको 1/4% से ज्यादा की हिस्सेदारी दिखा रहा है। तो 838 रुपए पर ये कारोबार हुआ है यहाँ पर। इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं मयूरेश फंडामेंटली आप? अनफॉर्चुनेटली नहीं करता मैं, कोई बात नहीं। केपीआर मिल्स के चार्ट देखकर बताएं राकेश क्या राय रखते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम एक्शन होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल अनिल जी, वॉल्यूम एक्शन होता हुआ दिख रहा है और दूसरी तरफ अगर आप चार्ट्स के ऊपर देखें 830 के ऊपर एक चार्ट्स के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में आया और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है फर्दर रैली मौजूदा स्तरों से 840-842 से रूल आउट नहीं की जा सकती है और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 35-40 रुपीज का जंप मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। चलिए 35-40 रुपए की बढ़त आती हुई दिखाई दे सकती है और आज वो फंड एक्शन के चलते स्टॉक 4% ऊपर है कारोबार के खुलते ही। दूसरे काउंटर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी हरकत, छोटे बैंक सिंडिकेट बैंक देखिए 2% ऊपर, फेडरल बैंक में करीब 1.5-2% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया और ये सारे वायदे बाजार के ट्रेड स्टॉक्स हैं। इन दोनों में इस समय अगर किसी ने रणनीति लेनी हो तेजी की आप क्या पसंद करेंगे लेना जेके? फेडरल बैंक जिन्होंने रिजल्ट के बाद में काफी हद तक गैप डाउन दिया है तो आई वुड नॉट सजेस्ट फेडरल बैंक में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक में काफी हद तक शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन अभी भी स्ट्रक है। तो आई थिंक जो भी रैली है इस रैली में आई थिंक लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर देखने को मिलेगा तो मैं फेडरल बैंक से दूरी रहने के लिए सलाह दूंगा। सिंडिकेट बैंक ओवरऑल स्टॉक अगर देखूंगा तो पीएसयू स्पेस में अच्छा खासा ओवर परफॉर्मेंस दे रहा है व्हेन कंपेयर्ड टू द मिड कैप पीएसयू बैंक। आई थिंक स्टॉक में बहुत मिक्स्ड बैक एंड ऑफ ए पोजीशन है तो आई थिंक ऑन प्योरली शॉर्ट टर्म रैली के हिसाब से आई थिंक स्टॉक में लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप कर सकते हैं। ऊपर के स्तर पर आई थिंक 98-99 लेवल देखने को मिल सकता है बिफोर द एक्सपायरी। ओके, ये राय आती हुई इस वक्त, लेकिन स्टॉक्स में जो एक्शन दिख रहा है कमजोरी की तरफ एचसीएल इन्फो, हम पहले भी बात कर रहे थे अब 7% कमजोर हो चुका है। राकेश अगर खरीदना हो तो किन लेवल्स के आसपास आपको लगता है एंट्री करने का सही वक्त है, नतीजे क्योंकि कमजोर भी है कंपनी ने? अनिल जी अगर टेक्निकली देखें तो एक वी शेप रैली जैसे पहले भी डिस्कस किया था, एक वी शेप रैली देखी थी, अगर हम टेक्निकली देखें तो 38-40 से पहले कोई टेक्निकली कोई सपोर्ट नहीं आता और मेरा ऐसा मानना है अगर किसी को खरीदारी करनी है
तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, या तो कोई नया बेस बीच में बनता हुआ दिखे और उस बेस बनेगा तो टेक्निकल रिवर्सल देखने को मिलेंगे। एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन शायद देखने को मिले। चलिए, बड़ी करेक्शन आने की पूरी पूरी संभावना है। स्टॉक में 7.5% नीचे है आज कारोबार की शुरुआत से ही। आईनॉक्स और पीवीआर की बात कर रहे थे, जहां पर ये तिमाही अच्छी रहने की पूरी उम्मीद है। आईनॉक्स आप देखिए स्टॉक 1.5% नीचे, लेकिन पीवीआर में कुछ एक्शन बढ़ता हुआ, लगभग 1% का इजाफा इसमें आ रहा है, धीरे धीरे करके चाल इसमें बढ़ रही है। राकेश, क्या खरीदेंगे पीवीआर को 856 पर? आशिता, अगर देखें तो पीवीआर का टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, या तो गिरावट पे खरीदना चाहिए, एल्स मेरा ऐसा मानना है ब्रेकआउट की वेट करनी चाहिए। 855 856 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 863 के ऊपर स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर 863 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो 848 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और तब 863 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये राय आती हुई इस वक्त सारे शेयर पर। वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का, राकेश, मयूरेश और जेके जीएम, शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए वक्त निकाल कर बाजार और स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। अनिल, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते चीनी कंपनियों पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है काफी ज्यादा तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई दी है, और एक स्पेसिफिक स्टॉक जिसकी बात राकेश बंसल कह रहे थे बाजार खुलने से पहले, दाल में भारत शुगर, स्टॉक में करीब 5% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये शेयर उन्होंने आपके लिए पिक किया था, वहां पर हम देख रहे हैं सीधा काफी एक्शन है। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के नियमों पर स्टेट बैंक के एमडी वीजी कन्नन हमारे साथ होंगे, जानेंगे स्कीम कितनी फायदेमंद है, साथ ही एक्यूएफ एडवाइजर्स के नितिन रहेजा भी देंगे साथ, और वो बताएंगे बाहर के बाजारों में अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। फिलहाल लेंगे एक छोटा ब्रेक, चल लौटेंगे।